हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तुम लड़की होकर कैसे करोगी? पैसा डूब जाएगा। अरे छोड़ो, अपना घर का काम संभालो। ऐसे तमाम सवालों के बीच महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए सोचना भी बड़ी हिम्मत का काम है। लेकिन यही काम कर दिखाया कानपुर की प्रेरणा वर्मा ने। मात्र 3,000 रुपए की पूंजी से जो व्यापार घर के एक कोने से शुरू किया, वह आज 25 देशों में फैल चुका है और कंपनी का टर्नओवर करोड़ों में है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल वीडियोस देखना चाहते हो तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। कानपुर जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर कौशलपुरी गुमटी में रहने वाली 35 वर्षीय प्रेरणा 12वीं कक्षा के बाद घर में पैसों की तंगी के चलते नौकरी करने लगी थी, जिससे घर के खर्चों में हाथ बटा सके। कुछ सालों तक नौकरी करने के बाद प्रेरणा के भीतर कुछ नया करने की चाह हुई और फिर उन्होंने खुद का कारोबार शुरू करने की ओर कदम बढ़ाया। लेदर इंडस्ट्री से पूरी तरह अपरिचित प्रेरणा ने सन 2004 में किसी के साथ पार्टनरशिप कर लेदर की डोरी का बिजनेस शुरू किया। आपसी तालमेल ना होने से पार्टनरशिप टूट गई। साथ में उन्हें यह ताने सुनने को मिलने लगे कि यह बिजनेस क्या करेगी जिसे बिजनेस के बारे में कुछ पता ही ना हो। यह बात प्रेरणा को चुभ गई और फिर उन्होंने इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार कर लिया। समाज और अपनों से मिल रही चुनौतियों को ही उन्होंने अपना हथियार बनाया और वास्तव में वह कर दिखाया जो औरों के लिए अविश्वसनीय था। इस दौरान सरकारी विभागों में जहां जहां अधिकारियों ने उन्हें उलझाया, रिश्वत खाने की कोशिश की, हर जगह प्रेरणा ने अपनी बुद्धिमत्ता से काम किया। इन सभी स्थितियों में उन्होंने हार ना मानकर अपने मन के क्रोध को एक ऐसी लड़ाई में बदल दिया जो उन्हें सफलता के रास्ते तक ले जा रही थी। बैंक लोन 2 बार रिजेक्ट होने के बाद भी प्रेरणा ने हिम्मत नहीं हारी। सेकेंड हैंड मशीन खरीदकर अपने नए व्यापार की शुरुआत की। हर चुनौती में एक शिल्पकार को देखा कि यह चुनौती मुझे नए रूप में करने के लिए आई है। नफा हुआ या नुकसान, स्वयं को शांत रखते हुए सब कुछ सहन करती चली गई। कभी लेदर को ना पहचानने वाली प्रेरणा आज लेदर की क्वालिटी को बिना हाथ लगाए पहचान सकती है। क्रिएटिव इंडिया के नाम से अपने घर से ही छोटी सी कंपनी की शुरुआत प्रेरणा ने की और देखते ही देखते 25 देशों में उनके आइटम पसंद किए जाने लगे और धीरे धीरे उनका व्यापार चलना शुरू हो गया। प्रेरणा बताती है कि उनके मित्र यहाँ कहकर हंसते हैं कि आलोचना करने वालों को तो टॉफी भी नहीं मिली, लेकिन तुम्हें ट्रॉफी पर ट्रॉफी मिलती चली गई। लेकिन विनम्र और हसमुख स्वभाव की प्रेरणा अपने आलोचकों का धन्यवाद करते हुए बस इतना कहती है कि अब तो वो सब उनके बारे में गूगल पर पढ़ते होंगे। देश की महिलाओं के लिए प्रेरणा का यही कहना है कि वह पुरुष प्रधान समाज की सोच से ऊपर उठकर हर कार्य यह सोचकर करे कि पुरुष की तरह स्त्री को भी भगवान ने सक्षम बनाया है तो उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। आज लगभग 25 देशों में प्रेरणा की कंपनी का सामान एक्सपोर्ट होता है, जिसमें यूरोप के देश व ईस्टर्न देश भी शामिल है। अपने उत्पादन की उत्कृष्ट गुणवत्ता के कारण जहाँ उनकी कंपनी के माल को पसंद किया जा रहा है, वहीं कुछ देशों के लोग भारतीय होने के कारण उनके सामान को महत्व दे रहे हैं। उन्हें बहुत अच्छा लगता है जब उनके ग्राहक उनसे कहते हैं, इंडियंस आर कूल। भारतीयों के स्वभाव और अतिथि देवभावों की संस्कृति से वह खासे प्रभावित है। प्रेरणा का जीवन यही संदेश देता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपके भीतर लक्ष्य प्राप्ति को लेकर जुनून हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आपके मंजिल तक पहुँचने से नहीं रोक सकती। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब